नमस्कार, शीला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इसमें से एक गाउन बनाना बताऊंगी। देखिए ये कपड़ा, देखिए, ठीक है। ये पिनी तक की लंबाई का हुआ और स्लीवलेस है। बिना बाजू के, जब हम बिना बाजू के जब बनाते हैं ना, शर्ट है, टॉप है या कुछ भी है, तो उसका तीरा ज़्यादा लेते हैं, 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका तीरा 7.5 था तो हम 8.5 लेंगे। और 6.5 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कट वाली यहाँ पे जो कट आएगा वो बनानी है। 7.5 मुड्ढे हैं, 7.5 के। इसकी कमर है 15.5 पे, तो हम लेंगे 16.5 के, 16 पर, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में कट लेना है, काटनी है, यहाँ से ऊपर की चोली तैयार करनी है। पहले चोली तैयार करने के लिए हम इसको पहले काट देंगे निशान लगा के। मैंने काट दिया। अब हम चोली से शुरू करेंगे इसको। ये निशान जो मैंने लगाया था ना मुड्ढे का, इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसके ऊपर हमने छाती लेनी होती है, इस लाइन के ऊपर तीरा है इसका 7.5 था तो हमने 8.5 लिया था ना, यहाँ पे भी हमने 8.5 ही लेना है। और छाती थी 10.5 तो हम 11.5 करेंगे इसको, क्योंकि बीच में जो कटाएगा उसके लिए 11.5 13 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पे कमर पे भी ऐसे ही करेंगे, कमर 9 की है तो हम 10 की लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा 12। इसको ऐसे मिला देंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। सॉरी, जो प्रिंसेस कट लगता है ना, ये निप्पल पॉइंट से लेना होता है। जैसे कि ये हमारा 11.5 है इसका पॉइंट, और ये बीच का गैप है 4 का है तो 4.5 लेंगे इसको, 1/2 इंच सिलाई के लिए लेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 4.5। पहले तो इन्हीं को मिला देंगे, ठीक। और ये निशान ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, ये मुड्ढे वाला ऐसे सीधा करके मुड्ढे से, और जो हमारा निप्पल पॉइंट है ये इसमें ऐसे गोलाई में मिल गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आराम से, ये वाला। अब हम इसकी गोलाई कर लेंगे मुड्ढे की। मुड्ढे की गोलाई के लिए हमें लेना होता है ये जगह कितनी है हमारा, ये इतना ही हमें यहाँ लेना होता है, और इसको हम गोलाई में मिला देंगे। और अब करेंगे कटिंग। जो ये हमारी डिजाइनिंग होनी है ये हमने काट देना है यहाँ से। हो गया, अब सिलाई करेंगे तो यहाँ एक प्लेट आ जाएगी, हल्की सी प्लेट यहाँ पे बनेगी, इसमें अंदर ही डाल देते हैं। मैं सिलाई में करूँगी ना उस टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। अब लेंगे नीचे का घेर, ठीक है। अब हम नीचे का तैयार करेंगे घेर। घेर के लिए हमने कली ली है 2.5-6 की, 2.5-6 की कली में नीचे का घेर अच्छा तैयार हो जाएगा, 2 गुना से भी ज़्यादा तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम निशान लगा लेंगे, यहाँ पे लेंगे पहले 6 इंच, फिर 2.5, ठीक है। इसी तरह से पूरे में निशान लगा देंगे,
फिर इस साइड में आ जाइए, यहाँ पे नीचे छः लिया है ना, तो यहाँ पे ढाई लेना है, पहले ढाई फिर यहाँ पे छः फिर ढाई, ऐसे करके हमने पूरे कपड़े पे निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे, ये जो निशान लगाए ना इनको हम मिला देंगे। कैसे, ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल कलियां हैं, ये फिर आगे वाली ऐसे मिल जाएंगे। फिर ये मिलकी यहाँ पे, ये कपड़ा है साइज में चार थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जैसे ये निशान हमारे ये लग गए दिखाई दे रहे हैं, अब इनको काट देंगे। ये मैंने कपड़े को डबल कर लिया है, ठीक है, एक बार में दो कलियां निकलेंगी। जैसे देखो बीच में से हर एक कली को ऐसे अलग करेंगे और एक साइड में रखते चले जाएंगे, इसी तरह से दूसरी कली काटेंगे। को भी यहाँ से अलग कर लेंगे साथ साथ में और रखते चले, रख दिया, ठीक है, करके सारी कलियाँ काट लेंगे हम, ठीक है। कमर के हिसाब से कली कटती है, हमारी कमर कितनी है उसमें हमें हिसाब लगा लेना है कितनी कलियाँ तैयार होंगी। अब हमारी कली देखो कट के सारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब कमर है हमारी 36 की और हमने चाहिए 40, 2 इंच इस साइड से 2 इंच इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो सिलाई के बाद हमारी कलियाँ 40 की तैयार बचेंगी। जब ये सारी आपस में ऐसे अटैच हो जाएंगी ना तो ये 40 तैयार हो जाएगी, तो 2 इंच मार्जिन मिल जाएगा दोनों साइड में हमें। ये है हमारा गाउन, ठीक है, 45 का तैयार करना है हमने, 45 का तैयार करना है तो देखिए तीरे से नीचे हमने ले रखा है 16.5, ठीक है, 16.5 ले रखा है, ऊपर चोली जो हमारी चोली बननी है, नीचे ले रखी है कलियां हमने 32 की, ठीक है। अब आधा इंच ऊपर सिलाई में, 1 इंच यहाँ पे सिलाई में, 1.5 इंच और 1.5 इंच नीचे सिलाई में जाएगा, कितना हो गया 3 इंच निकल गया, पूरा 45 का तैयार बचेगा हमारा। ये हो गई हमारे गाउन की कटिंग जो स्लीवलेस है। हमारी कलियां हैं जैसे दो दो हमने काटी थी ना, ऐसे दो दो अटैच करेंगे सारी। अभी मैं तो ये करनी है, एक के साथ दूसरी ऐसे अटैच करने लगे तो फिर ये इनमें रेब आ जाती है। जो हमने काटी थी ना दो उठाओ और उनको ऐसे ही स्टिच कर देंगे ऐसे। इसी तरह से हम सारी कलियों को पहले तो दो दो कर लिए, दो के पास के बाद फिर ये दो आपस में, जैसे कि देखिए ये दो होगी और फिर ऐसे खोल देंगे और फिर ये दो हैं हमारी, इनको अटैच कर देंगे ऐसे करके सारी कलियों को हम जोड़ लेंगे। सारी कलियों को जोड़ने के बाद फिर कमर देखेंगे कितनी तैयार होगी हमारी और हमने कितनी तैयार करनी थी, ठीक है।
देखिए ये हमारी कली सारी मैंने अटैच कर ली है, 10 कली यहाँ पे अलग से है और 10 कली ये अलग से, ठीक है 20 कलियाँ हैं, जिसमें हमारा ये ऊपर का कमर का है जो वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब करेंगे ऊपर की चोली तैयार। देखिए ये हमारे चोली है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का है, यहाँ पे हमने ये अटैच करना है ना, डिजाइनिंग की है कपड़े में वो अटैच करनी है, यहाँ से नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। अगर ऊपर से करेंगे तो रेब हो जाएगी और रेब में कपड़ा घटता है, इस मारे नीचे से शुरू करेंगे ऐसे। इसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आराम आराम से, गोलाई है तो गोलाई में थोड़े थोड़े में ही सिलाई होती है। ये ऐसे मिला के, ऐसे मिला के इसको हम खींच के तब सिलाई करेंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे, ये नीचे से इसकी सिलाई होगी। ये हमने नीचे रख लिया है, खींच के इसके ऊपर रखते चले जाएंगे धीरे धीरे। सिलाई वही थोड़ी थोड़ी करनी है बस, वरना चुनट बन जाएगी इसमें। अब यहाँ पे हमें थोड़ा खींच के ऐसे और ये दबा लेना है, प्लेटें डालेंगे, प्लेटें जो मैंने बोला था ना कल, अंदर अंदर डल जाएंगे, ये निशान है यहाँ तक डलेगी प्लेट, ये निपल पॉइंट होता है जो हमारा, इसमें तो है, इसमें और लगा दो निशान, ये कितने इंच की है ये देख लें, ये हमारी 5 इंच की, तो 5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये लग गया हमारा 5, सिर्फ 5 इंच तक ही प्लेट डलेगी ये। ठीक है, दोनों में से डालना, ये प्लेट पीछे भी डलेगी और आगे भी डलेगी, ऐसे ही पटन में पीछे भी दिया, ठीक है उससे लुक थोड़ी और भी अच्छी आ जाएगी इसकी। ये हमने यहाँ पे भी प्लेट डाल दी है और ये यहाँ पे भी प्लेट डाल, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब देखिए हमारी यहाँ पे गोलाई अच्छी बन गई है, ब्रेस्ट की जो गोलाई होनी थी यहाँ पे बन गई है, ये हो गया तैयार। अब हम इस पे जो हमने कलियाँ जोड़ी है वो लगाते हैं, लेकिन हमने बीच में इसमें एक डिजाइन देना है, 2 इंच की एक पट्टी देंगे जो बेल्ट पट्टी है, जिसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 इंच का ही काटेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है ना इसमें से 2 इंच का काट लेंगे, ये आगे भी देनी है पट्टी और पीछे भी देनी है, एक डिजाइनिंग डालनी है गाउन में, वरना तो सिंपल कलीदार सूट रह जाता है, लेकिन हमें गाउन तैयार करना है ना तो उसके लिए थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंज करना होता है बेल्ट के लिए। अगर हम 2 इंच चाहिए पट्टी तो हमने 3 इंच लेनी पड़ेगी, आधा इंच ऊपर सिलाई है और आधा इंच नीचे सिलाई है, ये देखिए ऐसे, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा उसमें से हमने कटिंग कर लिया इसको।
ये 3 इंच की पट्टी है, इसको हम काट लेंगे। ये हमारी आगे और पीछे लगेगी जो पट्टी तैयार हो चुकी है, दोनों पट्टियाँ। अब जब हमने प्लेट डाल दी है तो इसके नीचे लगाएंगे इसको, ऐसे इसको सीधा करके, मतलब ये सीधा और ये उल्टी पट्टी आएगी, ये सीधा करके इसके ऊपर ये पट्टी को हम उल्टा रख देंगे ऐसे, और फिर एक सिलाई लगाएंगे। बैठ मशीन लगाएंगे इसके ऊपर बैठे ऐसे, ये पट्टी अलग से दिखनी चाहिए, यहाँ पे नीचे की तरफ मोड़ना है, ये बेल्ट ऊपर हाईलाइट होती है ना इसलिए। हमने कलिया रखनी है, पहले इसको सीधा करेंगे ऐसे, ओके दूसरी साइड में देखेंगे, ये सीधा है। अब इसका सेंटर करेंगे, कहाँ पे सेंटर होता है ये देखेंगे, सेंटर होता हमारा वहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब कल ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटर है। अब ये है हमारी कलिया, अब इनका भी सेंटर कर लेंगे। पांच पांच कली है तो ये हो गया हमारा सेंटर, इस निशान के ऊपर मिला देंगे सेंटर को, ठीक है। ऐसे मिला के इसकी सिलाई कर देंगे, फिर यहाँ से सिलाई ही करेंगे, जो सेंटर है ना यहीं से, ये घटती बढ़ती है तो भी हमारी कंप्लीट ही रहेगी। दूसरी मशीन भी यहाँ सेंटर से उठानी है, यहीं से ऐसे। बैठी मशीन के ऊपर भी लगानी है ऐसे, इसको इस तरह दबा के, ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। इस पर हमने स्टिप लगाने हैं, स्टिप कैसे लगेंगे, इसका सेंटर लेंगे और हमने दो लगाने हैं, जैसे इसका सेंटर हुआ हमारा 10, ये यहाँ पे हो गया, तो इससे हम 5 इंच तो इधर लगाएंगे स्टिप यहाँ पे, और 5 इंच इधर लगाएंगे, ठीक
ठीक है, जो बेल्ट जिसमें से डलती है ऐसे ऊपर भी ये यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। ठीक, अब पहले स्ट्रिप तैयार कर लेंगे, जो ये हमारा कपड़ा है इसमें से हम स्ट्रिप बनाएंगे। ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे मोड़ लेंगे, ये हो गया। सिम दो बना लेंगे, दो स्टिप लगानी है ना, दो आगे लगेंगे और दो पीछे लगेंगे। ठीक है, दो इसको ऐसे मोड़ लेंगे, पहले ऐसे मोड़ के यहाँ पे रख लेंगे। नीचे लगी स्लाइड ऐसे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, ऊपर से भी देखो टाइट नहीं होना चाहिए, जो ये सिलाई है ना ये दिख रही है इसी में मिलानी है सिलाई, अलग से नहीं दिखनी चाहिए, फिर वो बद्दी लगती है। अब ये नीचे से जो अलग से दिख रहा है ज़्यादा कपड़ा है, ज़्यादा लंबी थी हमारी स्ट्रिप, तो इसको ऐसे काट देंगे। ये होगी एक स्ट्रिप तैयार हो गई, ऐसे ही हमने दूसरी तैयार करनी है, ये ऐसे लगा देंगे इसको भी दबा के। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही लगेगी, नीचे लेके आएंगे ना यहाँ पे, ठीक अब लगा देंगे इसे। दोनों स्टिप लगी है, स्टिप पट्टी थी, इसके ऊपर बैल्ट लगेगी, ऊपर का हमारा तैयार है। अब हमारा गला वगैरह तैयार होगा, ये हम बोट नेक तैयार कर लिया, ये लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको हम काट देंगे एक पैर दूर से। गाउन की लुक बोट नेक में थोड़ी अच्छी सी बनती है। हम लगा लेंगे कट, गोल गला है तो पूरे में कट लगेंगे।
जो ये सीधी मशीन लगाई थी ना गला सेंटर लेने के लिए, अब इसको निकाल देंगे। अब गला पलट के ऐसे सीधी साइड से रफ मशीन लगा देंगे। पीछे वाले गले की छटाई करेंगे। ये करेंगे राई करेंगे 3 की और ऊपर से चौड़ाई करेंगे 4 की, क्योंकि 4.5 है ना, तो 4 करेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। और ये 3 इंच ये करेंगे गहराई इसकी ऐसे, ठीक है। और यहाँ से भी ऐसे करके गोलाई बना देंगे इसकी। हम इसको ई स्केल से भी बना सकते हैं, अगर हाथ से अच्छे से नहीं बने ना तो ई से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कपड़े से रेब पट्टी तैयार करेंगे ऐसे। ये हमेशा 1.5 से 1.5 इंच के बीच की होनी चाहिए। अब इस पर मेह पट्टी लगा देंगे ऐसे करके। नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के लगाएं, नीचे हल्का सा, ऊपर वाले को आराम से रखें, ऊपर वाले को नहीं खींचें। अब इसको थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए कपड़े को काट देंगे। इसमें भी ये पूरा गोल है ना, तो इसमें भी कट लगा देंगे। बैठी मशीन लगा लेंगे इसके ऊपर, इसको ऐसे करके ऐसे।
आगे वाले पार्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे, आगे वाले पार्ट की छपाई नहीं होती है क्योंकि ये स्लीवलेस है, ठीक है। तो ये तो सीधा रखना है और ये इसके ऊपर ऐसे मुद्दा रखना है, ऐसे रख के इसको ऊपर, देखो ये सीधा है और ये उल्टा है, ऐसे रखे इसको और थोड़ा सा इसको चढ़ा दे और फिर उस सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी हमने करना है, ठीक आती है। ठीक है, हमारे हो गए पार्ट ज्वाइंट। अब इन पे रेब की जो हमारे मुड्डे हैं उनके ऊपर एक रेब की पट्टी बनेगी और वो लगेगी, जैसे पिछले गले पे लगाई है ना हमने, ये लगा रखी है, ये लॉक हो गया यहाँ से और ये देखिए यहाँ से लॉक है, ठीक। इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, गले की पट्टी लग गई और ये हमारी मुड्डे पे पट्टी लगानी है, क्यों स्लीवलेस है तो फिर बाजू तो लगनी नहीं है, पट्टी लगेगी जैसे हम पिछले गले पे लगाते हैं, ऐसे रेब वाली सेम ही, ऐसे ही नीचे वाले को थोड़ा सा खींचेंगे, ऊपर रेब वाली पट्टी को आराम से जैसे गले पे लगाते हैं ऐसे ही मुड्डे बन जाते हैं, ये दोनों साइड में यहाँ पे कट करेंगे, पहले एक्स्ट्रा कपड़े को निकालेंगे बाद में, जो ये हमारे कपड़ा होता है ना फिनिशिंग के लिए काटना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ध्यान रहे नीचे से कपड़ा ना चाहिए, फिर हम कट लगा लेंगे जैसे गले में लगाते हैं, इसमें यहाँ पे इतने में गोला आएगी इतने में लगेगा कट। ज़्यादा करके गोलाई में ही कट लगते हैं या फिर जहाँ पे कोना बनता है ना वहाँ पे कट लगते हैं, फिर यहाँ पे गोलाई है तो यहाँ पे लगेंगे। फिर ऐसे कर लेंगे मोटा और इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसमें बैठी मशीन की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ऐसे ही मोड़ेंगे इसको, देखो ऐसे।
ये हमारी देखिए वो भी पट्टी तैयार दोनों साइड से ऐसे ही, और गले की भी होगी, अब ये भी मुंडे वाली भी। अब हमने दो दो इंच एक्स्ट्रा ले रखा था, ठीक है, ये हमारा ये निशान है ना, इसी से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर कमर ये निशान आ गया, फिर यहाँ से इसको ऐसे उतारना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ से उतारना शुरू किया, यहाँ पे मैंने बिल्कुल उतार दिया है। अब एक पैर की मशीन नीचे तक लगाएंगे, जैसे हमने कलिया अटैच की थी ना ऐसे। अब रहेगा नीचे से गेयर मोड़ना, अब नीचे से गेयर को मोड़ेंगे। ये हमारा गेयर, इसको मोड़ेंगे ऐसे, इसको सिंपल लेना बिल्कुल। ऐसे करके हम सारा गेयर मोड़ लेंगे। देखिए अब हमने 4 इंच की पट्टी ली है, जिसकी हमने बेल्ट तैयार करनी है अपने गाउन के लिए, ठीक है। तो 4 इंच की पट्टी, इसको उल्टी ऐसे फोल्ड करके इसको यू, और एक पहले तो सीधी सिलाई यहीं लगाएंगे ऐसे। वापिस लेके आएंगे, और फिर एक पैर से थोड़ी सी ऐसे सीधी लेके आएंगे, ठीक है। अच्छी लंबी होती है, छोटी बेल्ट अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, इसमें हम अच्छे से फ्लावर तैयार कर लेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी बेल्ट, अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा कैसे करेंगे, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी ना यहाँ पे,
ये सिलाई लगा रखी है, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे ऐसे करके, ये खोल लिया, और इसमें पेचकस ऐसे पेचकस से सीधा करेंगे, ठीक है। सिलाई लेके या क्रोशिया लेके पेचकस से कैसे भी इसका आराम से सीधा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आसानी से बन जाती है हमारी बात। थोड़ी लंबी है इसलिए जल्दी जल्दी इसको पीछे ऐसे करते रहना है। हो गई। अब ये इसके कोने निकालने हैं, ये वाले निकल गया और ये हो गई तैयार। अब अपने पे पहले इसको सीधी करेंगे, ऐसे ही सीधी हो जाएगी। इसको ऐसे उल्टा करके हमने पेचकस को निकाल दिया, ठीक है, ये हो गई सीधी। अब इसको ऐसे करके इसको अंदर की साइड में फोल्ड करना है, थोड़ा सा खोल के इसको ये ऐसे थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से हो गया अंदर की साइड में फोल्ड। अब एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे होगी ना इस साइड से भी, इस पे हम प्रेस लगाएंगे फिर ये अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसको ये जो ये है ना इसको बिल्कुल निकाल देंगे। ये हमारी बेल्ट हमने तैयार कर ली, ठीक है, तैयार करके इस पे हमने थोड़ी प्रेस कर ली तो ये थोड़ी अच्छे से दिख रही है। अब यहाँ से शुरू करेंगे डालना, ये यहाँ से हमारे गाउन है ना तैयार हो चुका है, यहाँ से शुरू करेंगे फिर बेल्ट में डाल देंगे, वापिस आगे आ जाएंगे। काफ़ी लंबी हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है जो हमें चाहिए थी। ये देखिए हमारा अब हो गया गाउन तैयार। अब इसको जैसी लुक देना चाहें वैसे हम अपनी बेल्ट को दे सकते हैं, सीधी देनी है या बांध के फ्लावर बनाना है, थोड़ा सा फ्लावर टाइप बना दिया मैंने यहाँ पे। ये हमारा गाउन का घेर है, ठीक है, और ये हमारा ऊपर का पार्टीशन। अब हमें जितने भी चाहिए उतने भी हम इसको बेल्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा।